मैम शीमेल के साथ थ्रीसम फोरसम करना कैसा होता है उसके बारे में कुछ बताइए। भाई मैंने पर्सनली कभी भी शीमेल को एक्सपीरियंस नहीं किया है, थ्रीसम फोरसम या सोलो अकेले खुद के साथ ये सब चीजें नहीं किया है मैंने आज तक, तो मुझे उनके बारे में नहीं पता। लेकिन मुझे लोगों के एक्सपीरियंसेस पता है जिन्होंने थ्रीसम फोरसम किया है शीमेल के साथ, और उनके एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं वो जरूर मैं आपको बता सकती हूँ। तो इस वीडियो में जो मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ वो उनके रियल एक्सपीरियंसेस पे आधारित है जो उन्होंने मुझसे शेयर करे हैं कि शीमेल के साथ करने में कैसा फन उन्हें मिलता है, कैसा एंजॉयमेंट फील होता है, कैसी फीलिंग उनको आती है, वही मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाली हूँ। शीमेल की डिमांड डे बाय डे कपल्स में इतनी क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों हर कोई इसे बेडरूम का अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं, उनके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, इसी के बारे में आज ये वीडियो रहेगा। तो अगर जानना चाहते तो बने रहिए लास्ट तक। थ्रीसम क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने भी दोनों ही चैनल पे चाहे रिया मल्होत्रा हो या लाइफस्टाइल द हॉटेस्ट ओनली दोनों पे वीडियो अपलोड किया हुआ है थ्रीसम की, इसमें जानकारी दी हुई है। ये दो तरीके से होता है, मेल मेल फीमेल और फीमेल फीमेल मेल। जो कपल टेस्ट के शौकीन होते हैं, वैरायटी के शौकीन होते हैं, बदल बदल कर चीजों को करने का मजा लेना जानते हैं, वो दो मेल और एक फीमेल, तो कई बार दो फीमेल और मेल के साथ सेक्स का तड़का लगाते हैं। पर चलो कभी किसी को एक्स अपना याद आ जाए कि यार मुझे तो मेरा एक्स याद आ रहा है, तो फोरसम भी वो कर ही लेते हैं। और एक्स वाली चीज नहीं है लेकिन फिर भी फोरसम करके देखना है तो पेड सर्विसेज अवेलेबल है, जिगोलो शिगोलो बुल वगैरह हायर कर लिए जाते हैं और अपना फोरसम का भी तड़का लगा लिया जाता है। लेकिन आजकल बड़ा ट्रेंड में है कि हाँ चलो थ्रीसम फोरसम करना है लेकिन दो मेल या दो फीमेल नहीं, कोई ऐसा जुगाड़ लगाया जाए कि मेल और फीमेल टू इन वन हो जाए। ये ट्रेंड लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है इसलिए शीमेल की डिमांड बढ़ती जा रही है। वो एक के साथ ही दो चीजों का मजा उठाना चाहते हैं, ऊपर से बूब्स भी दबाना चाहते हैं तो नीचे से हथियार भी अंदर लेना चाहते हैं। फन का फन हो गया, वैरायटी की वैरायटी और एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस। एंड आई एम टेलिंग यू, लोगों का ऐसा कहना है जो लोग मुझे बताते हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि जो मजा आपको शीमेल दे सकती है वो आपको स्ट्रेट फीमेल या गे भी नहीं दे सकता। ऐसा लोगों का मानना है, उनके एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि ये सेल्फ मेड ट्रांस वुमेन होती है जो झुकना भी जानती है और सेम टाइम में झुकाना भी जानती है। और जो लोग इनके शौकीन होते हैं वो सोलो भी इनके साथ परफॉर्म करते हैं, थ्रीसम भी परफॉर्म करते हैं और फोरसम में भी अपने बेडरूम का इन्हें हिस्सा बनाना पसंद करते हैं। ये सुतली बॉम्ब नहीं एटम बॉम्ब होती है, एटम बॉम्ब जो कि डबल मजा देती है, क्योंकि इन्हें पता होता है कि एक स्ट्रेट मेल को उनसे क्या चाहिए, एक लेस्बियन को उनसे क्या चाहिए और एक गे को उनसे क्या चाहिए, कपल्ड हस्बैंड को उससे क्या चाहिए। तो जो वैरायटी के शौकीन होते हैं वो थ्रीसम में फोरसम में इनको शामिल करते हैं, जो सोलो इनके साथ एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो सोलो भी ये परफॉर्म करती हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई हाई पेड सेक्सी हॉट शीमेल अपना काम बेहतर ढंग से जानती है। अगर किसी ने ओरल सर्विस उनसे एक बार ले ली तो उसका मन नहीं करेगा मुंह से उसके निकालने का, इस तरह से चाटती हैं वो। ये सब कपल में फिट हो जाती है, फिर चाहे वो गे हो, लेस्बियन हो, स्ट्रेट मेल हो, स्ट्रेट फीमेल हो, या बाइसेक्सुअल हो, या कपल्ड हस्बैंड ही क्यों ना हो, क्योंकि सब पता होता है इसे कब झुकना है, कब झुकाना है, कब आगे से देना है, कब पीछे से देना है। उसको सबकी नीड पता होती है, कोई फालतू का एटीट्यूड नहीं, कोई झिझकबाजी नहीं, रिस्पेक्टफुली बात करो, बहुत अच्छे से सर्विसेज देती हैं। मान लो कोई कपल्ड हस्बैंड है, उसे सरेंडर होना है, उसे डोमिनेट होना है, ह्यूमिलेट होना है, लेकिन उसकी जो वाइफ है वो करने में सक्षम नहीं है, वो पीछे छुड़ाते कहे मेरे बस की नहीं है, ये चाहत है डोमिनेट होने की, उसे कोई पीछे से करे वो मरे जा रहा है। ऐसे में शीमेल जो है वो इन चीजों को बहुत अच्छे से कर लेती है, क्योंकि वो मेल भी और फीमेल भी, फीमेल वर्जन मेल के रूप में उनको मिल गया, उनके तो सोने पे सुहागा हो गया ना। इसी तरह से अगर बाइसेक्सुअल लोगों की बात करो तो वो लोग जो कि कंफर्टेबल है मेल और फीमेल दोनों के साथ ही फिजिकल होने में, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो शीमेल उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यार फर्स्ट राउंड अपना मेल के साथ किया और सेकेंड राउंड में अपना फीमेल वाला सुख लिया, तो यहां पर भी एक्सेप्टेबिलिटी है। स्ट्रेट लोगों की भी पहली पसंद बन चुकी है ये, मतलब जो ना गे है, ना बाइसेक्सुअल है, ना लेस्बियन है, उन लोगों की भी पहली पसंद बन चुकी है ये। एक्सपेरिमेंटल नेचर के होते हैं, लाइफस्टाइल का हिस्सा है, बेडरूम में कुछ नई वैरायटी के लिए, कुछ तड़का लगाने के लिए शीमेल को बुला लेते हैं, उनके साथ फन करते हैं। पगलाया हुआ आजकल का इंसान इनके पीछे, क्या शीमेल के साथ फन करके देखना है, शीमेल को एक बार ट्राई करके देखना है। यही कारण है कि इनकी जो डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, इनके चार्जेस भी बढ़ते जा रहे हैं। अब हो सकता है आप लोगों में से कोई लोग मुझे बोले कि मैम हमने तो शीमेल को बुलाई थी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जैसे आपने बोला। तो सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं ना, जरूरी थोड़ा है कि आपने जिस शीमेल को बुलाया वो अपना काम बेहतर ढंग से जानती हो।
अब बन के तो कोई भी कुछ भी बन सकता है ना, कि हाँ मैं शीमेल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मैं ऐसे कर दूंगी वैसे कर दूंगी। जैसे इंडियन शीमेल जो है उनका कंपेयर आप जो थाईलैंड बैंकॉक में जो शीमेल होती हैं, जो लेडी बॉय के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनसे आप कंपेयर कर सकते हो, उनकी सर्विसेज से आप उनको कंपेयर कर सकते हो। वो जब काम करेंगी अपना तो किस तरह से करेंगी, और जब इंडियन शीमेल जो काम करेंगी आपको सर्विसेज देंगी, उनमें जमीन आसमान का फर्क होगा ना। सेम इसी तरह से इंडिया में भी जो शीमेल है उनमें भी कैटेगरीज पाई जाती हैं। जैसे कि चार्जेस बहुत ज्यादा हाई होंगे, जिसके हाई होंगे उसमें कुछ तो बात होगी, और किसी के बहुत कम होंगे उसकी सर्विसेज भी ऐसी होंगी। तो आपने किसको हायर किया ये आपके ऊपर है, वैसा ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको शीमेल की थ्रीसम और फोरसम और बाकी कपल्स के साथ जो ट्रेनिंग होती है, जो उनके बेडरूम के फन होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अगर आपको शीमेल को डिटेल में समझना है कि शीमेल क्यों बन जाती हैं, ट्रांस वूमेन में क्यों कन्वर्ट हो जाती है, और काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है क्या किन्नर ही होती हैं या किन्नर और शीमेल में क्या फ़र्क है, अगर ये सब चीज़ें आपको जाननी है तो इसके लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है कि व्हाट इज शीमेल, एक्चुअल में ये है क्या भला, तो आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, ओके, बाय बाय।